मैं उनसे कुछ बोलना चाहूंगा जो यहाँ पर बिहार बोर्ड से जुड़ी कुछ अपडेट डालते हैं, ठीक है, अपडेट देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें यूट्यूबर हैं और बहुत सारे यहाँ पे शिक्षक हैं जो टीचर, उनके द्वारा कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप लोग बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है, उनको कंफ्यूजन में ना रखें, ठीक है। आप लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज कुछ नहीं होता है, वो आकर के वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जिनसे कि कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। सो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बीएसबी में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 से जुड़ी यहां पे कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुआ है एग्जाम में। तो यहां पे मैं उनसे कुछ बोलना चाहूंगा जो यहां पर बिहार बोर्ड से जुड़ी कुछ अपडेट डालते हैं, ठीक है, अपडेट देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें यूट्यूबर हैं और बहुत सारे यहाँ पे शिक्षक हैं जो टीचर, उनके द्वारा कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप लोग बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है, उनको कंफ्यूजन में ना रखें, ठीक है। आप लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज कुछ नहीं होता है, वो आकर के वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जिनसे कि कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। तो क्योंकि हमने पूरा टॉपिक ले लिया है, ठीक है, क्या कुछ अपडेट है, सारा चीज आप लोगों को ले लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक और इंटर दोनों का हमने लिया है, ठीक है, मैट्रिक और इंटर दोनों वाले छात्र ये देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल टॉपिक मैंने ले लिया है, एग्जाम कब से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, ठीक है, और उसके बाद मॉडल पेपर कब जारी करेगा बिहार बोर्ड, ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर में रिजल्ट कब जारी करेगा, सारा चीज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले वीडियो पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैट्रिक के बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटर पे चलेंगे, ठीक है। मैट्रिक का बता देते हैं, एग्जाम कब से होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कब से होगा, तो एग्जाम कब से होगा मैट्रिक का, मैट्रिक का जो इस बार एग्जाम होगा, जैसा कि हर एक बार होता है, ठीक है, इस बार भी वैसा ही होगा, ठीक है, आपका फरवरी में होगा। कब होगा, फरवरी में होगा। फरवरी में कितने से होगा, 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होगा, ठीक है, आप सभी लोग ये चीज जान गए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न में आपको ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 और 22 में कोरोना काल में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, कोचिंग बंद हो जाने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव की मात्रा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस बार कोई कोरोना नहीं है, ठीक है, 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं अभी तो कोई कोरोना नहीं है, तो इस बार आप लोगों का जैसे कि 2020 का पैटर्न था वैसा ही रहेगा, ठीक है, 2020 में जैसा एग्जाम हुआ था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को, इसमें आप लोगों को 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, कितना, 60 ऑब्जेक्टिव मैथ में, ठीक है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, ये सब में, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का सोशल साइंस, साइंस में आप लोगों को 48 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान पूर्वक रख ले। पहले क्या होता था 21-22 में आप लोगों को इसी को बढ़ा दिया गया था, इसी को 60 के जगह आप लोगों को 100 कर दिया गया था, जिसमें आप लोगों को 50 बनाना था, इसमें 60 किया है, 60 में से आपको 50 ही बनाना है, 48 किया है, 48 में आपको 40 ही बनाना है, इसमें किसमें, साइंस में, सोशल साइंस में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछले साल जो था वो 100 तक किया था, ठीक है, आपको इसको बढ़ा करके 100 कर दिया था और 48 को बढ़ा करके यहाँ पे 80 कर दिया था, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव का मात्रा होता है साइंस, सोशल साइंस, 80 कर दिया गया था, डबल कर दिया गया था, ठीक है,
लेकिन इस बार डबल नहीं किया जाएगा क्योंकि इस बार कोरोना सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो या और चलते हैं, ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, ये चीज तो आप लोगों को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बता ही दिए, और इसका हम क्लियर आपको बता देते हैं। ये आप लोगों को अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक चीज से आप लोगों को डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, वो क्या चीज है, तो वो है मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड हर एक साल मॉडल पेपर जारी करता है, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर वो एक दो महीने पहले, ठीक है, तीन महीने पहले जारी करता है बिहार बोर्ड एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे देखिए कब जारी करता है भैया, एग्जैक्ट हमको डेट बताइए। तो ये देखिए एग्जैक्ट डेट तो नहीं लेकिन मंथ का नाम आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। तो मॉडल पेपर जो जारी करेगा आप लोगों को बिहार बोर्ड, वो करेगा नवंबर या दिसंबर में, ठीक है, नवंबर या दिसंबर में। ये मॉडल पेपर जो जारी करेगा ऑफिशियल, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा जितना सब्जेक्टिव रहेगा वो वही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, ठीक है। तो मॉडल पेपर तक आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना आप लोगों का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग हमें पर्सनली मैसेज करके नहीं तो कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको अबाउट में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब रिजल्ट कब जारी करेगा, रिजल्ट कब जारी करेगा भैया ये भी हमें बता दीजिए। तो रिजल्ट आप लोगों को मैट्रिक का रिजल्ट आप लोगों को अप्रैल में जारी करेगा, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच आप लोगों को रिजल्ट जारी कर देगा, अप्रैल में करेगा, ठीक है, मैट्रिक का। अब देखिए अब चलेंगे हम लोग इंटर वाले पे, मैट्रिक का सारा मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इंटर की ओर, यहाँ पे देखिए एग्जाम कब से होगा, देखिए यहाँ पे मैट्रिक वाले छात्र भागना नहीं है अभी, ठीक है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, ठीक है, वो मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है, मैट्रिक वाले स्टूडेंट जो है वो भी रहे, ठीक है, लास्ट में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम कब से होगा, इंटर वालों का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम कब से होगा, एग्जाम देखिए एग्जाम आप लोगों का चालू होगा, ठीक है, यहाँ पे फरवरी में होगा, कब होगा, फरवरी में 1 से 5 के बीच आप लोगों का हर एक बार, यहाँ पे मैंने देखा है हर एक बार आप लोगों को यहाँ पे 1 से 5 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस बार भी 1 से 5 फरवरी के बीच आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भैया, एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न जैसे आपका पहले 100 पूछा जाता था, ठीक है, तो इस बार 100 नहीं पूछा जाएगा आप लोगों का, इस बार डायरेक्ट 60 रहेगा, कितना 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आप लोगों को 50 बनाना है, ठीक है, 50 बनाना है मैथ में, ठीक है, मैथ हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट में, और इसके जो भी जिसमें प्रैक्टिकल रहता है उसमें कितना रहेगा भैया, तो उसमें आप लोगों का 42 रहेगा, कितना रहेगा 42 रहेगा, उसमें से 35 आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो ये रहेगा आप लोगों को बायोलॉजी हो गया, यहाँ पे फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, जो जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है इंटर का, ठीक है, आर्ट्स का जो भी इकोनॉमिक सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है प्रैक्टिकल वाला, उसमें 42 ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें 35 आप लोगों को बनाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव जो रहेगा वो सभी सेम ही रहेगा, ठीक है, वो जैसे पहले आता था वैसे ही रहेगा, ठीक है। और देखिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, ये तो मैं यहाँ पे क्लियर कर ही दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज क्लियर आप लोगों को अभी तक नहीं हुआ है तो यही चीज जो मैं मैट्रिक वाले को बताया हूँ यही चीज यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोगों को जारी होने दीजिए, मॉडल पेपर इंटर का कब जारी करता है बिहार बोर्ड, तो इंटर का भी मैट्रिक के साथ ही करता है, ठीक है, मैट्रिक के जैसे वो जारी करेगा उसके साथ ही इंटर का भी कर देता है, ठीक है। तो इंटर का जब जारी करेगा आप लोगों को नवंबर या दिसंबर में करेगा, इसका भी सेमी रहता है, ठीक है, मैट्रिक के साथ ही इसका भी जारी करेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर आने दीजिए, मॉडल पेपर जैसे ही आता है तो आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर रहेगा उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका रिजल्ट कब जारी करेगा, ठीक है, इंटर का रिजल्ट कब जारी करेगा, इंटर का रिजल्ट जारी करेगा आप लोगों को अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर मई 1, ठीक है, मई 1 मई 1 मई आप मान के चलिए, ठीक है,
तो इन्हीं के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे जो भी मैं चीज बताया हूँ पूरा मैंने रिसर्च किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। अगर इससे आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट मिला होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो कि कंफ्यूजन में है, ठीक है। उनको सही अपडेट मिल सके उन सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचा दें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पूरा समझने में सारा चीज दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और जैसा कि आप लोगों को हम लास्ट में कुछ बताने वाले थे, ठीक है, कुछ सरप्राइज था तो वो मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताने का कोशिश करूंगा जो छात्र कमजोर हैं, ठीक है, बिल्कुल कमजोर हैं, ठीक है, जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जैसे कि क्वेश्चन हम लोग अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल, ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। कैसे आप लोगों को मिलेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों मिलेगा, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, वो एक घंटे बाद मिले या 10 मिनट पहले मिले, ठीक है, या नहीं तो आधा घंटा पहले आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 का, वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप सभी को अगर कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करें, नहीं तो आप लोग हमारे दिए गए अबाउट में नंबर है, ठीक है, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको यह अपडेट जानकर कैसा लगा आप जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।